क्रिस्पी और करारी एकदम मजेदार। हम आपके लिए लेके आए हैं रेसिपी, आप व्रत में खाएं या आप वैसे ही डेली आपका मीठा खाने का मन हो तो भी आप इसे खा सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। फैमिली में आप सबका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों कृष्ण जी के जो हम कहानियां सुनते हैं वो कोई नई नहीं है, उनकी रासलीला, उनका बचपन, गायों को चलाना, उनका नटखटपन, वो सब चीज़ें जो हम भी शायद अपने बचपन में कर चुके या बच्चे हमारे करते हैं, तो वो सब चीज़ें जब हम याद करते हैं तो हमारे चेहरे पे एक मधुर सी मुस्कुराहट आ जाती है। और उनका चरित्र सही में ऐसा है कि आप अपने जीवन में उतारे हैं उसको, और उतार के हम जब उस जीवन में को जीते हैं तो सही मायनों में हम अपने जीवन को जी पाते हैं। हमें अपने जीवन की जितनी कठिनाइयाँ हैं, परेशानियाँ हैं, हमें उनसे मुक्ति मिलती है, इसलिए क्योंकि हम उसे आत्मसात करते हैं उन बातों को जो हमें कृष्ण ने बताई कि हम भोग विलास की वस्तुओं के बीच में रहते तो हैं, रहें पर उसमें लिप्त ना हों, इसीलिए उन्हें योगी कहा गया। वो महाराजा हैं, राजा हैं और उनके पास भोग विलास की सभी चीज़ें भी उपलब्ध हैं पर उसमें वो रमे नहीं। और इसी वही एक संदेश वो हमको देते हैं कि आपके पास सारी चीज़ें हों, सब चीज़ें हों, आप उस सब का सुख भी भोगें, पर जब आपको विरक्त होना हो या उसे छोड़ना हो या वो आपको उपलब्ध ना हो तो आपके मन में दुख ना हो। ये संदेश कृष्ण का है और सही जीवन जीने का एक तरीका है कि हमारी चाहे कितनी भी परिस्थितियाँ बुरी हों या अच्छी हों, समभाव से आप जिए और आपके चेहरे पर लगातार मुस्कुराहट बनी रहनी चाहिए। ये ना हो कि परेशानी आ गई तो आप एकदम बिखर गए, रोने लगे, तड़पने लगे और परेशान हो गए, और सुख हुआ तो एकदम उछलने लगे। तो समभाव रखना जीवन में, और चाहे परिस्थितियाँ अच्छी हों या बुरी हों, आपके पास सुख के साधन कम हों या ज़्यादा हों, तो जब आप समभाव में रहना सीख जाते हैं तो आप नेचुरल तरीके से आप अंदर से बहुत अपने आप को सुखी महसूस करते हैं। आपको कोई परेशानी नहीं होती, आप पैदल चल रहे हैं तो भी सुखी हैं, रिक्शा में बैठ गए तब भी खुशी हैं, और यदि आपको गाड़ी मिल गई तब भी आप खुश हैं, बस में जा रहे हैं तो भी एंजॉय कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं ये जीवन है और इस जीवन में यहाँ हम अपने कर्मों को करने के लिए आए हैं, और जो हमने पहले कर्म किए हुए हैं उनके फल को भोगने के लिए आए हैं। तो सही में ये जो पृथ्वी है हमारी, ये कर्म फल को ही, हमारे जो कर्म हैं चाहे आज के हैं या कल के हैं या पहले के हैं, जब के भी हैं, तो उनको भोगने के लिए धरती बनी है। तो हम यहाँ पे अपने कर्म बनाते भी हैं आगे के लिए, और जो हम करके आए हैं उन्हें भोगते भी हैं। तो समभाव रखिए परेशानी में भी और खुशी में भी। तो दोस्तों हम बनाने जा रहे हैं आज अपने भगवान के भोग के लिए, तो वैसे तो उन्हें तो माखन मिश्री ही बहुत पसंद है, और देखिए उन्होंने एक संदेश इसमें भी छोड़ दिया कि आज हम बच्चे जो हमारे यहाँ फास्ट फूड की तरफ भागते हैं, तो माखन आप खाइए तो शरीर बनता है, और जब शरीर बचपन से मजबूत बनता है तो बुढ़ापे तक मजबूती बनी रहती है और रोग से आप बचे रहते हैं। तो माखन तो खिलाना ही चाहिए बच्चों को, और हमें सबको भी बचपन में हमने खूब देसी घी खाया और बिल्कुल खाना चाहिए, इसके लिए परहेज बिल्कुल नहीं करना चाहिए इस टाइम। तो दोस्तों वैसे हम बनाने जा रहे हैं आज अरवी, जिसे घुइयां भी बोलते हैं, मीठी, इसको चाशनी में पाक के बनाने जा रहे हैं। और आपने निश्चित रूप से आपने ये ऐसी रेसिपी नहीं खाई होगी, और मखाने हम मीठे बनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी बनाना। देखिए हमने 7-8 घुइयां ले ली हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, इन्हें हमने उबाल के और छील लिया है। हमने इन्हें उबाला तो ज़रूर है, पर ये बहुत ज़्यादा हमने नहीं उबाला इनको। तो चलिए अब हम इसको क्या करेंगे, इनको हम काट लेंगे, देखिए ऐसे, और बहुत ज़्यादा मोटे पीस हमें नहीं करने हैं, पतले नहीं करने हैं, ये देख इस तरीके से काट लेंगे इनको, हमें बहुत पतला पतला इनको नहीं काटना है, इस तरीके से काटेंगे। देखिए ये जो रेसिपी हम आपको आज बताने जा रहे हैं वो शायद आपने खाई नहीं होगी, ये बहुत टेस्टी लगती है। और अब हम इसको क्या करेंगे, काटने के बाद
2 घंटे के लिए धूप में रख देंगे, जिससे कि इसमें जो थोड़ा सा लस है वो ख़त्म हो जाए। तो इसलिए इसे धूप में रखना ज़रूरी है और ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है, एकदम बहुत बढ़िया। और आप इसे व्रत में खा सकते हैं, जब आपका फास्ट होता है तब आप इसे बना के खा सकते हैं, या यूँ भी आप चाहें तो मिठाई की तरह इसको खाया जा सकता है। जब आपका मन करे तब आप इसे बना खा लें। और इसे बनाना बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। जिन्हें बनाना नहीं आता वो भी इसे बना सकते हैं। तो लीजिए, ये सब कट के तैयार हो गई हैं और अब हम इन्हें 2 घंटे के लिए धूप में रख देंगे और उसके बाद हम आपसे मिलेंगे। देखिए दोस्तों, 2 घंटे हो चुके हैं और हमारी, आप देख सकते हैं कि ये जो अरबी हैं ये किस टाइप से हो गई है, इसका जो लस है वो काफ़ी कम हो गया है। और अब हम इसे तलेंगे। अब एक एक करके अरबी आप डाल रहे हैं। हमने देसी घी लिया है दोस्तों, क्योंकि ये देसी घी में ही ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। रिफाइन वगैरह आप ले ज़रूर लेते हैं लेकिन उसमें वो मज़ा आता नहीं। तो हम इसे इस तरीके से डाल देते हैं, देखिए, और इन्हें हम तल लेंगे। आप देख रहे हैं कितने बढ़िया से ये तले जा रहे हैं और बहुत अच्छी इसमें खुशबू आ रही है और खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं दोस्तों ये। तो व्रत में, उपवास में आप इन्हें खा सकते हैं। तो भाई आप इसका भोग भी लगाइए और खाइए भी। बिल्कुल नई तरीके की आपकी ये रेसिपी है और ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। आप देख सकते हैं इसमें हल्का हल्का कलर आने लगा है। तो इस तरीके से पलटते हुए इन्हें हम सेक लेंगे। ये देखिए, इनको पलट देंगे और पलट के सेक। ये हल्के हल्के करारे हो जाएंगे। देखिए दोस्तों कितने बढ़िया ये एकदम तल चुके हैं। आप देख रहे हैं इनका कलर बदल चुका है और अब हम इन्हें अपनी प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए कितने बढ़िया तल गई हैं। आपको इसकी आवाज सुनाई दे रही होगी, एकदम करारी हो गई हैं ये। ये देखिए अब इन्हें हम पाग लेंगे। तो अब चाशनी बनाने चलते हैं। आप देखें, हाफ कटोरी हमने ये चीनी ली है और चीनी हम इसमें डाल रहे हैं अपने पैन में। और क्योंकि हमें चाशनी गाढ़ी बनानी है तो पानी थोड़ा कम ही लेंगे। देखिए हमने पानी ज़्यादा नहीं डाला है और इसको लगातार चलाते रहेंगे इस तरीके से। ये देखिए, जिससे इसकी चाशनी बढ़िया सी बन जाए उसे चलाते रहेंगे। दोस्तों हम अब अगर देखें कि कृष्ण जी का जो हमारा जन्मदिन हम मना रहे हैं या उनकी जो लाइफ हम देखते हैं, छोड़िए वो सब बातें, तो देखते हैं तो उनकी भी लाइफ कोई, आप देखेंगे कोई बहुत अच्छी नहीं रही। कहीं जन्म लिया, फिर कहीं चले गए, उसके बाद वहाँ से भी चले गए, फिर उन्होंने द्वारका बसाई, वो द्वारका भी ख़त्म हो गई। तो आप देखेंगे कि हमारे जो ईश्वर हैं, जिन्हें हम हमारे प्रभु हैं, तो उनकी भी लाइफ में बहुत दुख है। और होता क्या है, हमारा, हम जब अपनी ज़िंदगी को देखते हैं ना तो हम कहते हैं भाई हमारी ज़िंदगी से ज़्यादा बुरी किसी की नहीं। लेकिन जब आप ये देखेंगे कि आपसे भी दुख में और लोग हैं, तो आपको ये समझ में आएगा कि आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है। आप जब ये देखेंगे कि आपसे भी ज़्यादा बीमार कोई और है, तो आप अपनी बीमारी को भूल जाएंगे। दोस्तों अपनी ज़िंदगी में इस नज़रिए को बदलिए कि हम बहुत दुखी हैं या हमारे पास साधन नहीं है या हम आगे नहीं बढ़ पाए किसी वजह से, और उसका ठीकरा किसी और के ऊपर मत फोड़िए। आप हमेशा खुश रहेंगे जब आप ये देखेंगे कि कुछ और भी लोग ऐसे हैं जो आपसे भी ज़्यादा परेशान हैं और फिर भी उनकी ज़िंदगी चल ही रही है। तो और आप अपनी ज़िंदगी को चलाइए नहीं, आप उसे भरपूर जिएं। जीवन को जीने का नाम ही है कृष्ण चरित। आप कृष्ण जी के चरित को पढ़िए, उनसे गुणिए, उनको उसे सीखिए, तब आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से हमें जीवन को जीना चाहिए। तो देखिए हमारी चाशनी हो गई है तैयार, चलाते। अब देखिए हम इसे चेक करते हैं इस तरीके से। ये देखें, हम इसमें थोड़ा और डाल देते हैं, आपको शायद दिखे नहीं। तो ये देखें, ये बन गया है, ये वाइट ही है ना, तो देखिए इसलिए ये देखिए चाशनी जम गई। तो हम बंद कर देते हैं, हमारी चाशनी बन गई है और इसमें हम डालेंगे अब अपनी अरबी। ये जो अरबी है इसमें हम डाल देते हैं, देखिए, और इसे लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो क्या है ये एकदम आपस में चिपक जाए। ये देखिए इस तरह, ये बहुत बढ़िया हमारी एकदम चाशनी तैयार हुई है। और जब तक ये सूखेगी नहीं तब तक हम इसे लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो होगा क्या, ये चिपक जाएगी। ये देखिए, आप देख रहे हैं ये चाशनी चढ़ चुकी है और ये बिल्कुल अलग हो गया। ये देखिए इस तरीके से, और जो नहीं है उन्हें अलग कर देते हैं इस तरह। ये देखिए, और अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे अपनी।
देखिए दोस्तों, ये मखाने हैं हमारे पास, इन्हें फूल मखाने भी बोलते हैं लोग। तो अब हम इसको कढ़ाई में कर लेते हैं और इसे बहुत हल्की हल्की आंच पे भूनेंगे जब तक ये करारे नहीं हो जाते हैं। ये देखिए, इसको लगातार इसी तरह हल्की आंच में हम चलाएंगे और इसमें हम कोई तेल या रिफाइंड या घी अब नहीं डाल रहे हैं। देखें, इसी तरीके से लगातार चलाते रहेंगे, इसे छोड़िएगा मत। तो हमारे मखाने बिल्कुल भुन चुके हैं और अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए, पौन कटोरी हमने इसमें चीनी ली है और इसी पैन में जिसमें हमने पहले अभी हम चाशनी बना रहे थे उसी में डाल दिया और थोड़ा सा डाल दिया पानी। तो हम इसे लगातार चलाएंगे चीनी बनाने के लिए। ये देखें, और बहुत जल्दी इसकी चाशनी बन जाएगी क्योंकि हमने जो पानी है वो ज़्यादा नहीं डाला है। तो ज़्यादा पानी ना डालें क्योंकि हमको पतली चाशनी नहीं चाहिए, हमको एकदम गाढ़ी चाशनी चाहिए जिससे कि कोटिंग हो जाए। देखिए, चीनी मेल्ट होने लगी है और अब इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा चाशनी बनने में। देखिए, जो गाढ़ी चाशनी होती है, तो देखिए अभी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके का उसका टेक्सचर आने लगता है। अभी हमने आपको बताया ही बिल्कुल, अभी अब अरवी में हमने इसको चाशनी को कोटिंग की थी। ये देखिए, झाग आने लगते हैं इस तरीके से, जब गाढ़ी बनती है ना चाशनी तो उसमें झाग आने लगते हैं। ये देखिए, और उसे पानी में डाल के आप देख लें कि उसकी गोली बन गई, तो समझ लें कि आपकी चाशनी तैयार हो गई। तो हम देखते हैं इसमें डाल के, अभी नहीं हुई है अभी चाशनी में, अभी समय चाशनी में अभी समय है, थोड़ी सी देर और लगेगी इसके बनने में। तो इसे लगातार चलाते रहें। देखिए, चाशनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है और मखाने हम इसमें डाल देते हैं और इसे लगातार चलाएंगे फटाफट। ये देखिए, इस तरह बिल्कुल मिला दीजिए। ये देखिए कितने बढ़िया हो गए। जब चाशनी गाढ़ी बनती है ना दोस्तों, तो क्या होता है कि फिर जो आपने इसमें सामान डाला है तो वो भी एकदम से करारा ही बना रहता है। और चाशनी अगर आपकी नहीं हुई ढंग की तो क्या होगा कि ये जो चीज़ आपने, कोई भी चीज़ आप इसमें डालेंगे तो वो करारी नहीं रहेगी और एकदम मुलायम हो जाएगी। इसे लगातार चलाते रहेंगे हम जब तक कि ये एकदम से ड्राई ना हो जाए। ये देखिए, धीमे धीमे ड्राई हो रही है। देखिए दोस्तों, कितने बढ़िया बने हैं हमारे ये फूल मखाने। ये देखिए, आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, एकदम क्रिस्पी और करारे, बहुत ही बढ़िया और खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। आप इसे बना के ज़रूर देखिएगा, व्रत में आप बनाएं इसको और खाएं। तो चलिए, हम इसे सर्व कर देते हैं। देखिए, हमारी ये व्रत की प्लेट तैयार हो चुकी है। ये देखें, देखिए कितने बढ़िया बने हैं हमारे मखाने और अरवी, कितनी बढ़िया तैयार हुई है। दोस्तों, यदि आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर करें। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे जैसे ही हम कोई रेसिपी लाएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाए। दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। नमस्कार।